आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं शिवानी और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज होने वाले नए टीवी सीरियल डायन की मेन लीड एक्ट्रेस के बारे में। जी हां, जहां आपने इस सीरियल के प्रोमो ट्रेलर और टीजर में देखा ही होगा कि बेहद सस्पेंस, बेहद क्यूरियोसिटी से इस चीज को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि आखिर कौन होने वाली है डायन के पीछे का वो खूबसूरत चेहरा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सीरियल में नजर आने वाली मेन लीड यानी कि टीना दत्ता, जिन्हें आप जानते हैं आपकी प्यारी इच्की यानी कि इच्छा के नाम से भी। जी हाँ, अगर बात की जाए कोलकाता वेस्ट बंगाल में जन्मी हमारी खूबसूरत टेलीविजन एक्ट्रेस टीना दत्ता की, तो वो अपने टीवी सीरियल उतरन से काफी ज्यादा घर घर में पॉपुलर हुई थी। तो आज हम उनकी लाइफ से जुड़े ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको शायद अब तक नहीं पता हो। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम और आपको दिखाते हैं आपकी प्यारी डायन में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस टीना दत्ता की कहानी। फेमस टीवी शो उतरन से हर जगह अपनी पहचान बनाने वाली खूबसूरत टेलीविजन एक्ट्रेस टीना दत्ता आपको बहुत जल्द एक नए शो डायन में मेन लीड रोल निभाते नजर आने वाली हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए टीना दत्ता की खूबसूरती के अलावा उनके एक्टिंग स्किल्स और उनके बैकग्राउंड की, तो उनका रियल नेम टीना दत्ता है और उन्हें प्यार से लोग टीना कहकर बुलाते हैं। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीना दत्ता को शुरू से ही एक वेल नोन एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है और अगर बात की जाए टीना दत्ता के पॉपुलर और फेमस रोल की, तो उतरन सीरियल से इच्छा यानी कि आपकी इच्की का रोल प्ले करने वाले उतरन टीवी सीरियल में इच्छा यानी कि इच्की का रोल प्ले करके उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। इसी के साथ अगर बात की जाए उनके फिजिकल अपीयरेंस की, तो ब्लैक आईज ब्लैक हेयर से टीना की पर्सनालिटी काफी ज्यादा ग्लोइंग और अट्रैक्टिव नजर आती है, जिसे उन्होंने बड़े ही स्टाइलिश तरीके से रीबल करके अपने बालों का कलर बॉल यानी कि ब्राउन करवा लिया है, जो कि अपने आप में एक और नया स्टाइलिश इंस्पिरेशन देता है। 27 नवंबर 1986 को जन्मी टीना कोलकाता और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल खेला जो कि साल 2007 में टेलीविजन स्क्रीन पर आया करता था वहां से की थी। तो वहीं साल 2003 में चोखेर वाली फिल्म से उन्होंने बिग स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाया। अगर बात की जाए टीना दत्ता से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की, तो उन्हें फ्री टाइम में योगा करना, एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ जितनी पॉपुलैरिटी उनको उतरन से मिली उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी सीरियल उतरन के शूटिंग के दौरान खबरों की माने तो उनके और एक्ट्रेस श्रीजिता के बीच काफ़ी ज़्यादा कैट फाइट हुई थी, जिसके बाद टीना का नाम सुर्खियों में छाया रहा। इसके बाद टीना दत्ता से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी की अगर बात की जाए, तो साल 2011 में उन्होंने महेश कुमार जायसवाल जो कि उनके सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे, उनके साथ शादी की खबरों ने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ा। कहा तो ये भी जाता था कि टीना दत्ता ने अपनी सीरियल की सक्सेस के लिए अपने शो के प्रोड्यूसर के साथ शादी कर ली है, जिसके बाद उनके ये नाम उनके मुकेश कुमार जायसवाल के साथ काफ़ी दिनों तक जोड़ा जाने लगा। लेकिन आफ्टर ऑल लास्ट में टीना दत्ता ने अपने दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ महज एक अफवाह थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं टीना दत्ता के फेवरेट फूड के बारे में। चाइनीज खाना और डिमसम्स खाना उन्हें बेहद पसंद है और अगर बात की जाए उनके फेवरेट एक्टर की, तो ऋतिक रोशन, ब्रैड पिट, शाहरुख खान हमारी टीना दत्ता के सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में से एक है। तो वहीं अगर बात हो बॉलीवुड में उनकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस की, तो एंजेलिना जोली, प्रियंका चोपड़ा और काजल देवगन उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि बॉलीवुड की फिल्म अग्निपथ उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म है। तो वहीं अगर बात की जाए टीना दत्ता जो कि आपको जल्द ही नज़र आने वाली हैं डायन सीरियल में, तो उनके बॉयफ्रेंड को लेकर भी उनके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ रही थीं।
उनका नाम पहले सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर महेश कुमार जायसवाल के साथ जुड़ा, तो वहीं कुछ दिन तक टीना के लिंकअप्स की खबरें एक बिजनेसमैन जिनका नाम परेश मेहता था उनके साथ ही लगातार आती रहीं। इसी के साथ अगर बात की जाए टीना दत्ता को मिलने वाली सैलरी की, तो कुछ सोर्सेज की माने तो टीना दत्ता को 45,000 से लेकर 50,000 पर डे अमाउंट पे किया जाता है। इतना ही नहीं, टीना दत्ता ने अपने एक्टिंग करियर में कई सारे एपिक रोल भी किए हैं, जैसे कि फेमस बॉलीवुड फिल्म परिणीता में उन्होंने छोटी विद्या बालन ललिता का रोल प्ले किया था, जो कि साल 2004 में रिलीज की गई थी। इसी के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत काफी छोटी उम्र से भी कर दी थी। सोर्सेस की माने तो टीना दत्ता ने 5 साल की उम्र में सिस्टर निवेदिता नाम के सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की, और इसके अलावा उन्होंने ईयर 2015 में खतरों के खिलाड़ी 7 में भी पार्टिसिपेट किया और अपना अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया। इसी के साथ अगर बात की जाए टीवी सीरियल की एक ऐसी पॉपुलर बहू के नाम पर अपनी पहचान बनाने वाली टीना दत्त के पर्सनल चॉइस की, तो उन्हें असल जिंदगी में दिया और बाती हम स्टार प्लस का सीरियल देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वहीं अगर बात की जाए इनकी पॉपुलैरिटी की, तो ये टीवी टाउन की उन पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में से एक आती हैं जिन्होंने अपनी फेबुलस एक्टिंग से और अपने गुड लुक से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है, जहां उन्होंने इच्छा और वीर की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो वहीं अगर बात की जाए इनके कलर्स टीवी पर चलने वाले इस शो के ड्यूरेशन की, तो 6 साल से ज़्यादा इस सीरियल ने टीवी की दुनिया पर राज किया, जिसमें ये इश्की बनकर आप सभी को बेहद नए नए तरीके से एंटरटेन करती भी नज़र आई। अगर बात की जाए इच्छा यानी कि हमारे टीना दत्त की रोल और इनके इम्प्रेसिव लुक की, तो जहां उतरन सीरियल में आपने टीना दत्ता का रोल देखा ही होगा कि बेहद स्टाइलिश मेकअप, बेहद ट्रेंडी ज्वेलरी और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग तरीके से अपनी साड़ी ड्रेप करने के स्टाइल के लिए भी उन्हें उस दौरान जाना जाता था। हालांकि अभी भी वो जब भी नज़र आती हैं तो एक अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट के साथ वो स्पॉट की जाती हैं। और अगर बात की जाए टीना दत्ता के ऑफिशियल अकाउंट की, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप टीना दत्ता का असल अंदाज देख सकते हैं, जो कि बेहद स्टाइलिश है। और आप अब जल्द ही उन्हें नए सीरियल यानी कि एन टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाले डायन में मेन रोल निभाते देखने वाले हैं। इसी को लेकर क्या कहना है हमारे टीना दत्ता का, चलिए आपको सुनवाते हैं खुद उन्हीं से। सो प्रोमोज़ के रिव्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आए हैं, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं प्रोमोज़ के रिव्यूज़। सो डेफिनेटली आई एम श्योर ऑडियंस जब ये शो देखेंगे ऑन एयर सैटरडे संडे को रात के 9 बजे एंड टीवी में, सो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा और आई एम श्योर रिव्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे और ऑडियंस बहुत प्यार करेंगे और उनको एंटरटेनिंग डेफिनेटली लेंगे। एंड वी प्रोमिस सी बालाजी टेलीफिल्म इटसेल्फ, एकता मैम ने जितने भी ऐसे सुपर नेचुरल शोज़ किए हैं, इट्स ऑलवेज बीन वेरी एंटरटेनिंग, सो आई एम श्योर ये भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। काफी टाइम बाद जो है एक कमबैक के तौर पे आने वाली है, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? 4-5 महीने बहुत काफ़ी टाइम होता है क्या? मेरे को लगता नहीं है। आई थिंक 5 मंथ्स इज़ प्रीटी गुड इनाफ यार, लोग तो 5-5 साल के बाद भी शोज़ करते हैं। सो आई थिंक 5 महीना बहुत ज़्यादा अगर लगता है आप लोगों को, सो आई रियली डोंट नो, बिकॉज आई थिंक आई नीड दैट मच ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ। आई हैव वर्क विथ हर बिफोर एज वेल, सो इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी, सो डेफिनेटली शी इज़ ऑलवेज डन ग्रेट वर्क, शी इज़ अ क्वीन ऑफ टेलीविजन, सो ऑफकोर्स इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स। बिकॉज आई फाउंड द स्टोरी रियली ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मुझे लगा कि मुझे यही करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आई ऑलवेज गो विद द कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज गो विद द प्रोडक्शन हाउस हुम आई वर्क विद, बिकॉज अच्छा प्रोडक्शन हाउस आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करता है। सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लिटल, मैं थोड़ा सोच समझ के काम लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास शोज़ नहीं आए थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स, ग्रे कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कैमियोज, अ लॉट ऑफ ऑफर्स हैड कम, बट आई सी द चैनल ऑल्सो, आई सी द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, एंड अबव ऑल आई सी द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, सो डेफिनेटली मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा जिसकी वजह से मैंने ये शो दिया। आप मानते हैं काला जादू होता है क्या लगता है?
बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि जितनी खूबसूरत हमारी इचकी यानी कि हमारी टीना लगती है ऑन स्क्रीन पर, असल जिंदगी में भी वो कुछ कम ग्लैमरस नहीं है, और इसका जलवा तो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके देख ही लिया होगा। वेल, अगर आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम तो जल्दी से हमें लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ और सिर्फ यहाँ मिलती है आपको आप ही के टीवी स्टार से जुड़ी पूरी जानकारी।